धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर आपके सामने रोजाना सुबह सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी हुई खबरों का ताजा बुलेटिन रखता है। उस बुलेटिन को हम आपके सामने लाइव रखते हैं, उसमें बहुत सारी तस्वीरें विजुअल नहीं लगा पाते हैं क्योंकि आप जानते हैं भोपू मीडिया तो है नहीं, ना उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हैं कि उतना बड़ा थिएटर उतनी बड़ी दुकान से जाके बैठे हैं। बहुत छोटी सी दुकान है, समझ लीजिए खोखा है, जो कहीं खोमचा सा लग जाता है ना उस टाइप का, तो उस खोमचे में इतनी व्यवस्था नहीं है कि लाइव चीज़ें आपको दिखा सके। खबरें पढ़ देते हैं, आपके पास जानकारी पहुँचा देते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं क्राइम की खबरों में अगर देरी की जाएगी तो वो पुरानी हो जाती हैं, क्योंकि क्राइम को रोका नहीं जा सकता। और आजकल तो राजनीतिक खबरें भी पल पल बदल रही हैं। आप सोचें कि आज इस खबर पे काम करें, कुछ ही देर बाद वो खबर ख़त्म हो जाती है। और इंटरनेट के ज़माने में तो खबरों की कोई वक़्त ही नहीं रही है, कोई उम्र ही नहीं रह गई है। पल पल चीज़ें बदल जाती हैं, पल पल में ख़त्म हो जाती हैं। एक खबर मैंने आपको बताई थी अलीगढ़ से, यहाँ काकराबाद थाना पड़ता है, वहाँ के गाँव में एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई। बताया गया कि उसके जो है कपड़े उतरे हुए मिले, अर्धनंग हालत में उसकी लाश मिली है। इस पूरे मामले के बाद हंगामा मच गया था, आप तस्वीरों में देखना शुरू करिए, पूरे परिवार के लोग मातम पसर गया था और एक बवाल खड़ा हो गया था। काफी घंटे लगे थे, 7-8 घंटे के बाद पुलिस डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज पाई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, तो यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, वो किस तरीके से इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं और कह रहे हैं पोस्टमार्टम ने साफ कर दिया है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक डॉक्टर यही कह रहे हैं। अलबत्ता यह अलग बात है कि उसके शरीर पर जो चोटों के निशान है उससे लगता है कि उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई, और उसी का विरोध करने पर उसकी हत्या की गई, मुंह दबाकर उसकी हत्या की गई, गला घोटकर उसकी हत्या की गई। अब आप सुनिए एसएसपी की जबानी। वहाँ गाँव में एक लड़की का शव मिली थी, पुलिस ने तुरंत कब्जा में लेके पोस्टमार्टम कराया है, जो लड़की की कॉज ऑफ डेथ मृत्यु का कारण पता चल रहा है, एस्फिक्सिया रिजल्ट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन और स्मॉदरिंग, ये कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसका गला दबाने से और मुंह दबाने से उनका मृत्यु हुआ, उसका सांस रुक गया है और उसका शरीर में कई तरह का छोटी छोटी चोट है, वो सब उसका नाखून का चोट है और बाड़ी चोट की जगह से दूसरे जगह 10 मीटर की तो उसका चोट दिखाई पड़ रही है और गर्दन पर गला दबाने के निशान है, शरीर में चोट है। और उसका अलावा इंटरनल पार्ट का भी एग्जामिनेशन हुआ है, डॉक्टर साहब ने लिखा है इंटरनल पार्ट में कोई नो इंजरी, वहाँ पर कोई क्लियर इंजरी क्लियर दिखाई पड़ रहा है। फिर भी उसका विजिनल स्वाब और रेक्टल स्वाब उन्होंने कलेक्ट किया, उसका स्लाइड बनी है, उसका स्लाइड का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के पॉजिटिव के लिए भेजे गए। सर इससे रेप की पुष्टि होती है? अभी तक डॉक्टर साहब, अभी तक जो प्रिलिमिनरी एविडेंस है उसी में कोई क्लियर कट नहीं बताया डॉक्टर साहब ने, हम उसको जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के बाद क्लियर बता सकते हैं। जो ये एविडेंस के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। सर जिस तरह से हत्या हुई है या बॉडी को यहाँ प्लान किया है, कैसे मतलब क्या लगता है कितने लोग मौजूद हो सकते हैं इस घटना में? उसका बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, जो मुलजिम गिरफ्तारी होने के बाद पता चलेगा, जो वहाँ घटना स्थल पर हम जान देखने के बाद हम कोई चीज़ बता नहीं सकते कितने लोग क्या किया। फिर भी अभी तो इतना है प्रिलिमिनरी एविडेंस है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको मैं आप ब्रीफ कर रहा हूँ। सर कोई आरोप लगाया है कि वो अर्धनग्न हालत में मिली थी उसकी लाश, तो कितनी से चुका है? वो मौके पर हम लोग सबसे पहले पहुँचे, उनका आरोप है, उसको हम लोग जो हमारा जो साइंटिफिक एविडेंस है उसका आधार पर बात पर लिंक करके देखें, उसके बाद जो एविडेंस आएगा उसमें बताऊंगा। आर्थिक महत्व भी नहीं उसको, एज पर नियम अनुसार हमारा पासको एक्ट के लिए जो मिलेगा वो हमारा पुलिस स्तर पर मिल रहा है, बाकी सब प्रशासन अपना स्तर पर देगा। कोई गिरफ्तारी नहीं है सर अभी तक? अभी हमने मुलजिम दो तीन लोगों को सस्पेक्ट करे, वहाँ कैदी की जो मालिक है, वहाँ कैदी में जो कल काम किया, 5 लोग के हिरासत में लेके पूछताछ चल रहा है, पूछताछ में क्लियर होगा जो किसी भी दोषी उसको। अंतिम संस्कार के दौरान सर कोई प्रदर्शन वगैरह हुआ कहीं भोग नहीं? अंतिम क्रिया के समय वैसे कोई नहीं, लोग जो अपना दुख था उसके लेके कुछ आग्रोशित लोग, उसका पुलिस प्रशासन ने समझा बुझा के उनसे रिक्वेस्ट करके उनका समझाया हम लोग, अब कानूनी प्रक्रिया करेंगे, उन लोग मान लिया, वो पूरा जो पीड़ित परिवार हमारा पुलिस के साथ है, पुलिस उनका साथ है, वो अच्छी थे, उन लोगों से भी हम लोग कोऑपरेट किया। सुन लिया आपने, ये खबर आपके सामने रखने का मकसद धाकड़ खबर का यही था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लाइव जब खबर पढ़ते हैं तो उसमें कोई विजुअल्स नहीं होते हैं, कोई एविडेंस वगैरह जैसी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन आपको मैं बता चुका हूं कि क्यों नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि धाकड़ खबर कोई ऐसी हवा हवाई
पत्रकारिता करता हो या ऐवे कोई जर्नलिज्म करने बैठ जाता हो। पत्रकारिता का एक छोटा मोटा सा अनुभव है, पिछले 14-15 साल का, अमर उजाला में 3 साल रहे, उसके बाद 5.5 साल हिंदुस्तान अखबार में रहे और उसके बाद 2 महीने दैनिक जागरण में बिताए और अब 5-6 साल से 4 साल होने जा रहे हैं। 7 मार्च को आपके सामने इस फॉर्मेट के जरिए बैठे हुए कुछ चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सोच सिर्फ एक रहती है कि पत्रकारिता का मतलब है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको सूचनाएं देना, नैरेटिव नहीं बनाना। तो सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं और सूचनाएं जो हैं हमारे पास बाकायदा एविडेंस के साथ होती हैं। हल्के फुल्के ढंग में हम लोग खबरें नहीं रखते हैं। आपने सुन लिया एसएसपी को, ये बात आज सुबह के जंगल राज बुलेटिन में भी मैं आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यहां आपके सामने अगर एसएसपी के बयान के जरिए रखा जाए तो आप लोगों को इस खबर पर और ज़्यादा भरोसा होगा। हमारे काम को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? 4 साल हमारे पूरे होने जा रहे हैं 7 मार्च को, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। 7 मार्च को वैसे हम लोग लाइव आएंगे, 1 घंटे तक एक सेशन करेंगे, उसमें आप लोगों के सवाल जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।